हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों आज हम करेंगे यूनिट 27 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फोर्थ एडिशन बाय रेमंड मर्फी। इसमें हम कुड के बारे में देखेंगे कि कुड डू एंड कुड हैव डन ये कहाँ पे लगते हैं और क्यों लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं यूनिट 27। तो सेक्शन ए में हमें बताया गया है कि कुड बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। समटाइम्स कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन, कि जहाँ पे हम प्रेजेंट में कैन लगाते हैं वहाँ पे उसका जब हम पास्ट बनाते हैं उसी सेंटेंस का तो वहाँ पे कुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कैन में दे रखी है, लिसन आई कैन हियर समथिंग, ये अब की बात है कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। अब इसका जब पास्ट बनेगा आई लिसन्ड आई कुड हियर समथिंग, तो यही सेंटेंस को हमने जब पास्ट में चेंज किया तो कैन की जगह पे हमने कुड लगा दिया। तो कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। बट कुड इज़ नॉट ओनली यूज इन दिस वे, वी ऑल्सो यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर, स्पेशली टू मेक सजेशंस। बट कुड का सिर्फ यही यूज़ नहीं है, कुड हम और भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में जो एक्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सजेशंस हम दे सकते हैं तो कुड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, व्हाट शैल वी डू टुनाइट, कि आज हम क्या करेंगे, वी कुड गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा में जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल है, व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ यू कुड स्टे विद सारा, यस आई सपोज आई कुड, कि ए बी को कह रहा है कि जब नेक्स्ट मंथ तुम पेरिस जाओगे तो तुम सारा के साथ रह सकते हो, तो बी उसको कहता है हाँ मैं रह सकता हूँ। तो इन दोनों जो अभी हमने एग्जाम्पल का जिक्र किया है वहाँ पे कैन भी पॉसिबल है, वी कैन गो टू द सिनेमा या यू कैन स्टे विद सारा, दोनों आ सकते हैं, लेकिन कुड इज़ लेस श्योर देन कैन। कैन में पॉसिबिलिटी होने के आसार ज़्यादा हैं, कुड में उससे थोड़े कम हैं। तो जहाँ पे हमें लगे कि हम थोड़ा लेस श्योर हैं या कुछ काम होने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी कम है तो हम वहाँ पे कुड लगाएंगे, थोड़ी ज़्यादा है तो हम कैन लगा सकते हैं। सेक्शन बी की ओर चलते हैं, वी ऑल्सो यूज़ कुड नॉट कैन फॉर एक्शंस दैट आर नॉट रियलिस्टिक, जो एक्शन रियलिस्टिक नहीं होते, रियलिस्टिक मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, उनमें हम कुड लगाते हैं कैन नहीं लगाते। एग्जाम्पल है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, तो आई कुड स्लीप फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए कोई इंसान नहीं सो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुड लगाते हैं। ये अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है जो कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ऐसी जगह पे हम कुड लगाते हैं, कैन नहीं लगा सकते। अब कैन और कुड को कंपेयर करके दिखाया हुआ है, आई कैन स्टे विद सारा व्हेन आई गो टू पेरिस, तो ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है जिसके लिए हम कैन लगाते हैं कि जब भी मैं पेरिस जाऊँगी तो मैं सारा के साथ रह सकती हूँ। मे बी आई कुड स्टे विद सारा व्हेन आई गो टू पेरिस, तो वो कहते हैं कि अगर मैं पेरिस जाती हूँ तो हो सकता है मैं सारा के पास रहूँ, तो ये पॉसिबल तो है बट इसमें हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि हम सारा के पास रहेंगे ही रहेंगे, तो ये पॉसिबल बट लेस श्योर है, यहाँ पे हमने कुड लगाया है कैन की जगह पे। तीसरी है, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस आई कुड स्टे हियर फॉर एवर, आई कुड स्टे हियर फॉर एवर, तो किसी भी जगह पर हम सारी ज़िंदगी रहना थोड़ा अनरियलिस्टिक है, तो इसलिए यहाँ पे कुड स्टे आया है। तो तीनों चीज़ों को उसने कंपेयर करके दिखा दिया है, रियलिस्टिक पॉसिबल बट लेस श्योर एंड अनरियलिस्टिक, तो अनरियलिस्टिक और लेस श्योर में हम कुड लगाते हैं, रियलिस्टिक में हम कैन लगाते हैं, तो ये फ़र्क साफ है। सी में बताया है, वी ऑल्सो यूज़ कुड नॉट कैन टू से दैट समथिंग, वो कोई सिचुएशन हो सकती है या हैपनिंग हो सकती है, पॉसिबल है नाउ और इन द फ्यूचर, द मीनिंग इज सिमिलर टू मे और माइट, कोई भी सिचुएशन या कोई भी जो एक हैपनिंग है जो अभी पॉसिबल है या फिर फ्यूचर में हो सकती है,
जैसे हम मे या माइट यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम कुड लगा सकते हैं, कैन नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल इसकी दी है, द स्टोरी कुड बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज़। हो सकता है ये कहानी सच हो पर मुझे नहीं लगता। तो कैन ट्रू आता जब हमें श्योर होता कि ये कहानी सच है, हो सकती है। तो यहाँ पे है लेस श्योरिटी है, यहाँ पे मे या माइट दोनों आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट टाइम लिजा इज़ कमिंग, शी कुड गेट हियर एट एनी टाइम। तो मुझे नहीं पता लिजा किस वक्त आ रही है, वो यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकती है। तो दोनों सिचुएशन में अदरवाइज हम मे माइट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुड भी लग सकता है जब हम ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे हम कुड लगा सकते हैं, कैन नहीं। फिर से कुड और कैन को कंपेयर करके दिखाया है। इन जनरल के लिए हमने कैन लगाया है, द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली इन द माउंटेंस, कि माउंटेंस में इन जनरल बात की जा रही है तो हम कैन लगाएंगे। ये हमने पिछले यूनिट में भी देखा, इन जनरल पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम कैन लगाते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर वेदर की या अभी अभी की बात कर रहे हैं, कि अभी के वेदर की बात कर रहे हैं, द वेदर इज़ नाइस नाउ बट इट कुड चेंज, तो अभी ये हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि वेदर चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम कुड लगा सकते हैं, यहाँ पे कैन नहीं लग सकता, क्योंकि कैन इन जनरल के लिए लगेगा। अगर हम सिर्फ अभी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुड लगेगा। वी यूज़ कुड हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट। अगर हमने पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी जो नहीं हो पाई या हो पाई है उसका जिक्र करना है, तो वहाँ पे हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंसेस देके हमें कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश की है, नाउ और पास्ट में डिफरेंस बताया है। नाउ की एग्जांपल है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। ये अभी की बात है, अभी के लिए हम यहाँ पे कुड लगा सकते हैं, जो अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। अब इसका अगर हमने पास्ट बनाना है तो आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर अ वीक, ये उसका पास्ट हो गया, कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं एक हफ्ते के लिए भी सो सकता था। एक और एग्जांपल है, द सिचुएशन इज़ बैड बट इट कुड बी वर्स, कि सिचुएशन बहुत बुरी है पर इससे भी बुरी हो सकती है, ये हो गया प्रेजेंट। अब इसका पास्ट है, द सिचुएशन वॉज बैड बट इट कुड हैव बीन वर्स, सिचुएशन बुरी थी बट ये बहुत बुरी भी हो सकती थी। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे। समथिंग कुड हैव हैपन्ड का मतलब है ऐसा होना पॉसिबल तो था बट हुआ नहीं है, है ना। दोनों सेंटेंसेस में देखिए, आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए सो सकता था पर सोया तो नहीं। या सिचुएशन कुड हैव बीन वर्स, बहुत बुरी हो सकती थी पर हुई तो नहीं। तो कुड हैव वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई काम होना पॉसिबल तो था पर हुआ नहीं, पास्ट के लिए यूज़ होगा, ये बस आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल है, व्हाई डिड यू स्टे एट ए होटल व्हेन यू वर इन पेरिस, जब आप पेरिस में थे तो आप होटल में क्यों रुके। यू कुड हैव स्टेड विद सारा, आप सारा के साथ रह सकते थे। तो इसका मतलब क्या है, आप सारा के साथ रह सकते थे मगर रहे नहीं, आपके पास एक ऑप्शन थी, ये हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डेविड वॉज लकी ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ एंड ही फेल बट ही इज़ ओके, डेविड बहुत लकी था, वो जब गिरा तो उसको चोट लग सकती थी मगर वो ठीक है, यानी कि उसे चोट लग सकती थी मगर लगी तो नहीं। तो कुड हैव यहाँ पे आता है। ई में वी यूज़ कुड नॉट टू से दैट समथिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, हम कुड नॉट ये कहने के लिए भी यूज़ करते हैं कि कुछ होना पॉसिबल नहीं है। जैसे आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी, आई वुड हेट इट, कि मैं बड़े शहर में नहीं रह सकती, मुझे इससे नफरत है, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ, थिंग्स कुडंट बी बेटर, अब सब कुछ ठीक है, इससे ठीक कुछ नहीं हो सकता। फॉर द पास्ट वी यूज़ कुड नॉट हैव डन, कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो भी एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इसी को हमने पास करना है तो पास्ट में वी हैड अ रियली गुड हॉलीडे, बहुत अच्छी छुट्टियां बिताई हमने, इट कुड नॉट हैव बीन बेटर, इससे बेटर नहीं हो सकती थी। द ट्रिप वॉज कैंसल्ड लास्ट वीक,
पॉल कुडंट हैव गॉन एनी वे बिकॉज ही वॉज इल. ट्रिप जो था लास्ट वीक का वो कैंसिल कर दिया गया. पॉल नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर हिम टू गो, यानी कि उसके लिए जाना पॉसिबल ही नहीं था. तो ये यूनिट नंबर 27 है. आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कुड के बारे में, कुड के पास्ट के बारे में, कैन और कुड के डिफरेंस के बारे में. आगे एक्सरसाइजेज हैं, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइजेज कीजिए. मैं कीज़ भी डाल दूँगी. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए. 27.2 में कैन और कुड दोनों में से कुछ भी आना है. हो सकता है सेंटेंस ठीक हो लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर कीजिए. और 27.4 इसमें कुड नॉट और कुड हैव डन और प्लस वर्ब्स जो साथ में दी हुई है इसके करेक्ट फॉर्म में लगेंगी. तो प्लीज़ ट्राई टू डू दीज थिंग्स. आपकी सुविधा के लिए मैं साथ में कीज़ डाल दूँगी इसी वीडियोज़ में और आप इसको ज़रूर करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिए. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस. थैंक यू.